हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नित्यम स्टडी सेंटर में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? परसेंटेज का। आज भी मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगी, बहुत इजी है। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था हमने? परसेंटेज। आज भी परसेंटेज पढ़ाऊंगी। परसेंटेज को परसेंट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका हिंदी क्या होता है? प्रतिशत होता है। प्रतिशत का सत सत मीन्स क्या होता है? 100। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये प्रतिशत होता है परसेंटेज का हिंदी। इसको सत मीन्स क्या होता है? सत मीन्स मतलब 100 होता है। कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट का पेपर होता है तो उसमें 100 मार्क्स रहता है। 100 में से कितना परसेंट आया? 75% कोई बच्चे का। हम लोग रिजल्ट लेने जाते हैं तो कितना बोलते हैं? किसी बच्चे से पूछते हैं आपका कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज आया, तो क्या बोलते हैं बच्चे? 75%, 85%। यही सब तो है, इसी सब को तो पढ़ना है। चलिए आज अपन, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का क्वेश्चन बताया था, आज भी मैं वैल्यू निकालना बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की तरह। पहला आज का क्वेश्चन क्या है? 1/1। 1/1 जो है 1 का कितना परसेंट है? इनटू 100 कर दिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 100, 100% हो गया। अब सेकेंड क्या है? 1/2। 1 जो है 2 का कितना परसेंट है? इनटू 100 किए, कितना हो गया? 2 1 2, 2 5 10, 1 0, कितना हो गया? यानी 50% हो गया। 1/3, 1/3 1 जो है 3 का कितना परसेंट है? इनटू 100 किए, कितना हो गया? 100/3, 100/3 हो गया। इसको डिवाइड देंगे, इसको इधर डिवाइड देते हैं 3 को 100 में, ठीक है? 3 3 9 1, 3 3 9 1, ठीक है? यहाँ इक्वल लिखेंगे, यहाँ जो 3 है क्वोशेंट में, क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे और ये 3 यहाँ हो जाएगा। इसको एज इट इज इसको 33.33 भी लिख सकते हैं। ये 33.33 कैसे हुआ मैं आपको बता रही हूँ। 100 में 100 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 9, में से 10 में से 9 गया 1, कितना हुआ? फिर यहाँ से 0 उतरेगा, यहाँ डेसिमल रहेगा, फिर 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 3 3 9 1। एज इट इज़ यही सेम डिजिट रिपीट होगा, इसी को इसको इस फॉर्म में ना लिखे, इस फॉर्म में दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? 1/1/4 को 1/4, 1/1 जो है 4 का कितना परसेंट है? इनटू 100 किए, कितना हो गया? कितना हो गया? इसको यहीं पे कटा दे रहे हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 2 4, 2 5 10, कितना हो गया? 25%। और 1/5 का, 1/5 जो है 5 का कितना परसेंट है? 1/5 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया? 5 5 5, 5 2 10, 0, कितना हो गया? 20% हो गया। अब अगला, क्या है? 1/6%, 1/6%, 1 जो है 6 का कितना परसेंट है? इनटू 100 कर दिए, कितना हुआ? इसको यहीं पे कटा दे रहे हैं। 2 3 6, 2 5 10, 1 0, कितना हुआ? 50/3, 50/3 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, 3 और 50 में डिवाइड दिए, कितना हो गया? 3 1 3, 5 में से 3 गया 2, 0, 3 6 18, 18, 18 में से 8 2, 1 में से 1 गया 2 नहीं, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। इसको ऐसे भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको डेसिमल बता के फिर मिक्स फ्रैक्शन में बताऊँगी। 3 3 6 कितना होता है? 80, 20 में से 80 जाएंगे 2, फिर यही होगा सेम अंक बार बार यही रिपीट होगा, तो कितना होगा? 16.66। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने बता रही हूँ। 3 बाई
50 को डिवाइड करना है, 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 0, 3 6 जाए 18, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। यहाँ जो कोशेंट है, कोशेंट है यहाँ लिख देंगे, और ये रिमाइंडर जो है यहाँ लिखेंगे, एज इट इज जो 3 है यहाँ लिख देंगे, यहाँ का जो 3 है यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया, इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/7 का, 1/7, ओके, 1/7, 1 का 7, 1 जो है 7 का कितना परसेंट है, 1/7 इंटू 100 कितना हो गया, कितना हो गया 100/7। इसको 7 से 100 में डिवाइड देती हूँ, 7 1 जै 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 0, 7 4 जै 28, 2, 0 कट गया। यहाँ पे इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 7 का 7, यहाँ जो कोशेंट है यहाँ आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर लिखा लिख देंगे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया, 7 2 जै 14, 7 8 जै 56, 7 कितना हो गया, 14.28% हो गया। यहाँ परसेंट भी देना है, सिंबल देना नहीं भूलिएगा। और 1/8, 1/8, 1 जो है 8 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दिए, इक्वल टू 100/8, कितना हो गया, 4 2 जै 8, 4 2 जै 8, 4 5 जै 20 हो गया, 25/2, इसको डिवाइड देंगे, 2 1 जै 2, 5 हो गया, 2 2 जै 4 क्या हो गया, 2, यहाँ जो 2 है एज इट इज लिख देंगे, यहाँ का 12 यहाँ लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचा है 1 उसको ऊपर लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना बता रही हूँ, हो गया, यहाँ 0 होगा, यहाँ डेसिमल जाएगा, 2 5 जै 10, 2 5 जै 10 हो गया, कितना हो गया, यानी 12.5%। 1/9, 1/9, 1 जो है 9 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दिए, इक्वल टू 100/9, कितना हो गया, इसको डिवाइड देंगे 9 से 100 में, कितना हो गया, 9 1 जै 9, 10 में से 9 जै 1, 0, 9 1 जै 9, 1 9, 1 हो गया। इसको जो 9 है एज इट इज लिख देंगे, यहाँ जो 11 है यहाँ लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको सबसे ऊपर लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया, यहाँ 9 1 जै 9, फिर यही सेम अंक रिपीट होगा डेसिमल पर, यहाँ 1 1 रिपीट होते जाएगा, रिपीटेशन वर्क, 11.11, 1.10, 1 जो है 10 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दिए, ठीक है, 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 10%, अब हो गया 1 से लेके 10%। अब वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।